हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में हिंसा की आंच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आधिकारिक आवाज व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है। खबर है कि अमेरिका में प्रदर्शन के दौरान ट्रंप को व्हाइट हाउस में बने बेहद सुरक्षित बंकर तक ले जाना पड़ा है। सोचिए आप, हालात कितने खराब हो गए। प्रदर्शन के दौरान लोग राष्ट्रपति भवन पर बोतल और पत्थर फेंक रहे थे। इसी के बाद सुरक्षा कर्मियों ने एहतियात के तौर पर ट्रंप को बंकर में बेहतर समझा भेजना। आपको याद दिला दें, प्रदर्शन की वजह से वॉशिंगटन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए, हिंसा की आग शुरू हुई थी अमेरिकी राज्य मिनेसोटा से, जहां मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत शख्स की मौत के बाद हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ। और अब ये आग पहुंच चुकी है व्हाइट हाउस, खुद राष्ट्रपति आवास पर, जहां पर किस तरीके से लोग हिंसक हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, बोतलें फेंकी जा रही हैं, और उसके बाद यहां बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षित बंकर में पहुंचा दिया गया है राष्ट्रपति ट्रंप को। तो देखिए, आप तस्वीरें व्हाइट हाउस के आगे सामने की देख रहे हैं, जहां पर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर ये हिंसक प्रदर्शन होता है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बंकर में ले जाया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प दिख रहे हैं। आप तस्वीरें, ये जो हिंसा है मिनियापोलिस शहर से शुरू हुई, जहां पर जबरदस्त रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए, लूटपाट शुरू हुई, और अभी जो हालात हैं अमेरिका में वो गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। उसी के तहत ये प्रदर्शन भी व्हाइट हाउस के सामने रखा गया था, जहां पर प्रदर्शन हिंसक होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बंकर में ले जाया गया। अब तक अमेरिका में 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार तस्वीरें बता रही हैं कि देश की राजधानी यानी कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन और वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर की तस्वीरें आप देखिए, आपको हैरान कर देंगी, परेशान कर देंगी। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, ये दुनिया का सबसे अनुशासित कहे जाने वाला मुल्क है, जहां इस कदर हिंसा भड़की कि ना सिर्फ लोग मॉल लूट रहे हैं, सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, बल्कि व्हाइट हाउस के बाहर आकर हालात इतने खराब हो गए कि बंकर में राष्ट्रपति को जाना पड़ गया।